तो देखिए, ये हमारे सामने मैट्रिक्स ए गिवन है और हमको ये रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है, हमें ये प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ये बात हमें प्रूफ करनी है यहाँ पर। तो देखिए, ये आपको ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो ए मैट्रिक्स है आपकी 1 4 2 2, ठीक है। तो अब हमें यहां पर 2A निकालना होगा। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें 2A निकालना होगा, तो पहले से ही हम 2A निकाल लेते हैं, तो ये आपका 2 टाइम्स ए क्या हो जाएगा, ये आपका 2 जो है ये आपका सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 4 8 4, ठीक है। तो जो आपकी मैट्रिक्स 2A है वो हमें इस फॉर्मेट में मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS से स्टार्ट करते हैं। तो आपका LHS इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। तो देखिए, जब इसमें डिटर्मिनेंट का सिंबल लिखा लगा हुआ है तो जो हमारी मैट्रिक्स है उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2A क्या है, ये है आपका 2 8 4 4, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 into 2 minus 4 into 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 minus 32, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -24 हो जाएगा, -24, ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS से स्टार्ट करेंगे, तो RHS इज इक्वल टू है हमारा 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो ये आपका 4 टाइम्स। अब जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 1 4 2 2, और ये आपका 4 इंटू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 into 2 minus 2 into 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू, और ये आपका 2 minus 8, तो ये आपका हो जाएगा 4 into -6, तो ये आपको मिल जाएगा -24। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, ये बात हमारी प्रूफ हो गई, LHS इज इक्वल टू RHS, बस यही बात हमें प्रूफ करनी थी।